हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माइटी जेड 24/7। सीयूईटी 2023 एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट मोमेंट पर बच्चों को क्या चाहिए, लास्ट मोमेंट पर स्टूडेंट को चाहिए कि वो कौन सी बेस्ट स्ट्रेटजी हम फॉलो करें जिसकी वजह से हम अपने एग्जाम में 100% स्कोर कर सकते हैं। खास करके अगर मैं बात करूं हिस्ट्री की, ठीक है, तो हिस्ट्री में क्या बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिसके बिहा पर वो अपने हिस्ट्री में 100% बन सके, 200 out of 200 स्कोर कर सके। तो आज की ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जिनका हिस्ट्री डोमेन है और हिस्ट्री में कैसे आप 200 स्कोर कर सकते हैं इन स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हुए, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी आपकी हिस्ट्री एग्जाम को लेकर के। तो यहाँ पर हम करेंगे वन बाय वन सारी चीजों को यहाँ पर समझने वाले हैं, ठीक है, वन बाय वन सारी चीजों को हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक करके सारी चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहले हमें वो देखना है कि जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन से ऐसे चैप्टर इंपॉर्टेंट है जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आने वाले हैं। बाकी के जो रह जाएंगे हम उसको भी डिवाइड करेंगे, लेकिन कैसे, कब, कैसे, क्या चीज करनी, वो सारी चीजें बताएंगे। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जहां से आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आने वाले हैं वो क्या है, आपका फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है ब्रेक बीट्स एंड बोन्स, ठीक है, जिसका नाम है ब्रेक बीट्स एंड बोन्स। तो बच्चे ये चैप्टर है हड़प्पन सिविलाइजेशन से, ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन के चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, हमेशा क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट आता है आपका किनशिप कास्ट एंड क्लास, जिसमें महाभारत से, ऑक्यूपेशन से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइप्स ऑफ मैरिज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने टाइप्स की मैरिज होती है, एंडोगैमी क्या होती है, एक्सोगैमी क्या होती है, पॉलीएंड्री क्या होती है, पॉलीगैमी क्या होती है, सारी चीजें इसमें पूछी जाती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट आता है थिंकर बिलीव्स एंड बिल्डिंग, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, ठीक है, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं, स्तूपा पर क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, तो ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है हमारे पास थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर, इब्न बतूता, अल बरूनी, फ्रांकस बर्नियर, ऐसे बहुत से ट्रैवलर्स हैं जिनके बुक्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन से ट्रैवलर ने इंडिया के बारे में क्या कहा था, उनकी स्ट्रेटजी क्या थी, उनके एक्सपीरियंस अपनी बुक में उन्होंने क्या क्या चीजें लिखी थी। तो ये चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, मैंने क्या कहा, महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, आपके डेट वाइज क्वेश्चन बनेंगे, आपके इंसिडेंट इवेंट से क्वेश्चन बनेंगे, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट आता है आपका फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन, क्या आता है फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन, तो फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन से डेट वाले क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपका एक चैप्टर रहता है अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन, इसके अलावा आपका एक चैप्टर और रहता है जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन। बच्चे ये अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन में, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन में क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन, तो बच्चे इसमें आपको क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन में इसमें आपके हमेशा मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि कौन सा इवेंट कब हुआ था। तो ये चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें से डेट वाइज क्वेश्चन जो ज्यादा से ज्यादा बनेंगे वो इन दो चैप्टर से बनेंगे, एक तो होगा आपका अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन और दूसरा क्या होगा आपका, दूसरा होगा आपका फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन से। तो यहां से डेट वाइज क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनने की पूरी उम्मीद है। अब हमारे पास कितने चैप्टर बच गए, ये हमारे 6 है और ये पूरा का पूरा 7, तो टोटल हमारे 7 चैप्टर्स हो गए। अब हमारे पास कितने चैप्टर्स बचे, अब हमारे पास टोटल चैप्टर बचे कितने, 8 चैप्टर्स, ठीक है ना। अब हमारे पास कितने बचे टोटल चैप्टर, 8 चैप्टर बचे। अब उन 8 चैप्टर्स को हम क्या करेंगे, 8 चैप्टर्स को हम 2-2 में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, 2-2 में डिवाइड कर देते हैं। मतलब कि अगर आपके ये इस तरह से 6 चैप्टर है, 7 चैप्टर है, तो इनके साथ साथ क्या करना है, हमें दो दो चैप्टर और साथ लेकर चलने हैं। जो बहुत इजी है तो उसमें 2 रख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल कि आपका मान लीजिए ब्रेक बीट्स एंड बोन्स इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अब इसके साथ में जो चैप्टर रह गए हमारे कौन से, जैसे मौर्य डायनेस्टी का चैप्टर है, उसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे लेकिन कम बनेंगे, तो आप क्या कर सकते हो, इसके साथ उसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमारा ये है किनशिप कास्ट एंड क्लास, तो इसके साथ में आप दूसरा ऐड कर सकते हो, जैसे विजयनगर एम्पायर कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इन इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ में जो चैप्टर बचे हुए हैं उनको इनके साथ में ऐड ऑन करते चले जाइए, जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन बनेंगे वो आपके ये चैप्टर्स है, बाकी इनके साथ आप उनको गो थ्रू कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन तो वहां से ही बनेंगे लेकिन वहां से कम आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि आपको अब पॉइंट्स टू रिमेंबर, क्या क्या चीजें अपने दिमाग में रखनी है, तो वो पॉइंट्स टू रिमेंबर में क्या करना है कि इस टाइम में सबसे ज्यादा आपको क्या करना है, डू ओनली प्रैक्टिस एमसीक्यू, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा लेंदी क्वेश्चन पर नहीं भागना है कि लेंदी क्वेश्चन आपने रट लिए हैं तो उसको आप रटे जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, नहीं, जितने ज्यादा आप एमसीक्यूज लगाओगे उतनी ज्यादा आपके अंदर परफेक्शन आएगी। नेक्स्ट कहता है नो न्यू टॉपिक
एंड द मटेरियल। आपको कोई भी नया टॉपिक अभी स्टार्ट नहीं करना है, जितना पढ़ लिया बस उसी को रिवाइज करना है। नेक्स्ट कहते हैं एंड मटेरियल, नो मटेरियल, मतलब कोई दूसरा मटेरियल आपने लेना नहीं है। आपने एक बुक को फॉलो किया, हमें पता है कि हमें एनसीईआरटी को फॉलो करना है, दूसरी बुक पढ़नी नहीं है, तो यार क्यों टाइम वेस्ट करना दूसरी बुक में। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी ही क्या करनी है, फॉलो करनी है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, बाकी किसी को नहीं फॉलो करेंगे, किसी अदर मटेरियल को नहीं फॉलो करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका वॉच वीडियो एट द रेट 1.5x की स्पीड पर क्या करेंगे, जितने भी हमारे वन शॉट है तो उसको बहुत जल्दी जल्दी स्पीड पर देखिएगा, 1.5 या 2x की स्पीड पर देख लीजिएगा जब भी आपको टाइम मिलता है। इससे क्या होगा, हमें एक ओवर भी मिल जाएगा, ठीक है, चैप्टर का ओवर भी मिल जाएगा और हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में इससे बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। नेक्स्ट और लास्ट होता है आपका फिक्स योर स्लीप साइकिल। देखो बच्चा, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि सुबह जल्दी उठ जाएंगे, ठीक है, रात को लेट नाइट तक पढ़ते हैं, सुबह जल्दी उठ जाएंगे, ठीक है, तो आपकी हैबिट जो है उस तरह की बन चुकी होगी। लेकिन जिस दिन आपका एग्जाम होगा और वो हैबिट जो आप डाल चुके हो लेट नाइट तक पढ़ने की और सुबह लेट तक सोने की, लेकिन बच्चे आपको क्या करना है, एग्जाम में जाओगे तो जल्दी उठना पड़ेगा ना, तो अपनी बॉडी को सेम उसी तरह से ढालो जिस तरीके से आपने क्या करा कि लेट नाइट तक नहीं पढ़ना है, सुबह उठ के पढ़ लो, रिविजन मार लो एक, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि मुझे लेट नाइट तक जगना भी नहीं और सुबह मुझे जल्दी भी उठना है, तो इस तरह की हैबिट डालनी है आपको अपनी स्लीपिंग में, ठीक है ना। तो ये थे, आई थिंक यहाँ पर सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो ये बेस्ट स्ट्रेटजीज है आपकी, ठीक है, बेस्ट स्ट्रेटजी है आपकी हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरह से आप अपने हिस्ट्री में 200 स्कोर कर सकते हैं। तो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दिए हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर भी बता दिए हैं। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल अपने एग्जाम में पैनिक नहीं होना है, शांति से, काम से, एक ठंडी ब्रीदिंग लेकर के और अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। जब भी क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे एकदम सोच समझकर क्वेश्चन को टिक करना है, ऐसा नहीं कि आप टिक करते जाओ जल्दबाजी में और वो क्वेश्चन गलत हो जाए, नेगेटिव मार्किंग है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ बनेगा हिमाटीज अड्डा 24/7 के साथ, और भी लेकर आते रहेंगे इन्फॉर्मेटिव वीडियो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।